हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए निविया का रिव्यू करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव क्रीम है। इन सर्दियों में आपको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रखने वाली क्रीम है, बहुत ही अच्छी क्रीम है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस स्टील वाली से। ये जो सी है, ये ब्लू कलर की है, इसकी जो सी ये इसके ऊपर कोटिंग हुई हुई है, ये जस्ट लाइक डैट। ये बहुत ही अच्छी क्रीम है, आपको बहुत पसंद आने वाली है, स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रखती है। ये जो सी है, ये क्रीम है मेड इन जर्मनी। ये जर्मनी से इंपोर्ट की गई क्रीम है, ये पाकिस्तान में इंपोर्ट होकर आई है। पाकिस्तान में जो क्रीमें इंपोर्ट होकर आई होती हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह उसी वजह से ये होता है कि इनके ऊपर प्राइस नहीं लिखी होती, क्योंकि वो GST लगने के बाद पता चलता है कि पाकिस्तान में इसकी प्राइस क्या होगी। तो ये जो सी है, बहुत ही अच्छी क्रीम है। अब हम बात करते हैं ये वाली क्रीम की। ये वाली क्रीम जो सी है, ये प्लास्टिक की बॉटल में है, इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, और ये भी बहुत अच्छी क्रीम है। और ये वाली ये लोशन है, ये भी प्लास्टिक का है, और ये भी मैं यूज़ करती हूँ। ये मोस्टली लोग जो से है ना, वो बॉडी के लिए यूज़ करते हैं, मैं भी बॉडी लोशन के तौर पे यूज़ करती हूँ। इसका इस्तेमाल ये है कि इसको ऐसा करना है कि आपने नहाना है, नहाने के बाद अपनी पूरी बॉडी को ड्राई कर लेना है अच्छी तरह से। जब बॉडी ड्राई हो जाए तो आपने इसके ऊपर थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर अपनी पूरी बॉडी पर अप्लाई कर देनी। इसकी वजह से आपकी जो टांगों पर खुश्की आती है, और जिसकी वजह से इचिंग बहुत होती है, इचिंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो मेरी कज़न क्या करती है, मैं आपको एक अच्छा अंदर की बात बताती हूँ, ये कि मेरी कज़न ये करती है कि वो इस तरह का निविया लेती है। निविया के अंदर ना वो ऐड करती है विटामिन ई के कैप्सूल्स। यू नो विटामिन ई इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर स्किन एंड फॉर ब्राइटनिंग स्किन। तो वो स्किन को टाइट भी करती है, ब्राइट भी करती है, तो वो ना इसका इस्तेमाल करती है। तो वो उसकी वजह से ना उसकी स्किन इतनी ब्राइट हो गई है। तो मैं भी सोच रही थी कि मैं ना इसके अंदर ना विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर लेती हूँ, तो आप लोग भी विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर लें। वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये वाली क्रीम जो होती है ना, ये क्रीम लगाने के बाद ना वैसी स्किन जो होती है ना, इतनी ब्राइट हो जाती है, फ़ौरन ग्लो करने लग जाती है। तो आप जो होती हैं, ये जो होती है, ये नॉन ग्रीसी भी है, ये नॉर्मल स्किन के लिए है। लेकिन मैं आपको ये जो होती है ना, आइली टू नॉर्मल स्किन के लिए है, क्योंकि सर्दियों में तो हर एक स्किन इतनी ख़राब हो रही होती है। तो हर एक को चाहिए कि अपने स्किन का ख़ास ख्याल रखे, हर एक को चाहिए अपने चेहरे के ऊपर इसको अप्लाई करे, बॉडी पर अप्लाई करे, अपने पाँव पर अप्लाई करे, हाथों पर अप्लाई करे रेगुलरली। तो अब हम जो है ना, आ जाते हैं इस क्रीम की तरफ। ये क्रीम मैं यूज़ करती हूँ अपने हाथों पर और अपने फेस पर। ये देखिए, ये मैंने यूज़ भी की हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत ज़्यादा अच्छी क्रीम है। ये जो सी है, ये देखिए, फोरी ग्लो आ जाता है ये लगाने के बाद, फोरी स्किन ग्लो करने लग जाती है। देखें, ग्लो ग्लो ऐसे फोन स्किन ग्लो करने लग जाती है। बहुत ही अच्छी क्रीम है, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इसकी वजह से ये होता है कि बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है सर्दियों में, अगर हाथ ख़राब हो, फेस ख़राब हो, तो ये जो है ना, ये क्रीम का आप इस्तेमाल बढ़ा दें, ताकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी लगे इन सर्दियों में, बिल्कुल डल ना हो। सर्दियों में आपको पता है कुछ क्रीमें ऐसी होती हैं, हम क्रीम लेके आते हैं तो वो लगाने के बाद स्किन और ज़्यादा ब्लैक हो जाती है। तो ये वाली क्रीम ऐसी क्रीम है जो आपकी स्किन को काला नहीं करती। और ये एक वेल नोन कंपनी है, जो कि हमारे बचपन से इस्तेमाल हो रही है, हमारी माएँ भी हमारे लिए यूज़ किया करती थी ये क्रीम। तो आप भी इसका इस्तेमाल करें, ये बहुत ही अच्छी क्रीम है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह ताला इसका कोई नुकसान नहीं, कोई भी इसका नुकसान नहीं है। अक्सर क्रीमें होती हैं ना, वो नुकसान दे रही होती हैं, लेकिन ये क्रीम बिल्कुल नुकसान नहीं देती। ये क्रीम मुझे बहुत पसंद है, ये मैंने स्पेशली अपने लिए UK से मंगवाई है। मुझे इसकी बॉटल बहुत पसंद है, इसकी ये डब्बिया बहुत पसंद है, गोल्ड मटोल सी, बहुत अच्छी है ना, प्यारी लग रही है। और अब हम बात करते हैं ये वाली अपनी क्रीम की। ये मैं अपने फुट पर लगाती हूँ डेली, रात को सोने से पहले लगा कर। तो मैं इसको ऐसे करती हूँ ना कि मैं सॉक्स पहन लेती हूँ, तो इसकी वजह से ना मेरी हील्स नहीं फटती। तो पहले जब मेरी हील फटती थी ना, तो एक दो लोगों ने मुझे बातें की, मुझे पता चला कि ये जो उनसी है ना,
हील का फटना अच्छा नहीं होता, बुरा इंप्रेशन पड़ता है। तब से मैंने निविया क्रीम लगानी शुरू कर दी, उसकी वजह से मेरी जो से ना आप पाँव फटते नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी इसका इस्तेमाल करें। और मैं आपको एक ख़ास बात यहाँ पे बताना चाहती हूँ, वो ये कि अगर आप लोगों के घर छोटे छोटे बच्चे हैं ना जो पैम्पर पहनते हैं, उनको वॉश करने के बाद हमेशा उनको ना नैपी रैश की जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो सी है रैशेज नहीं आने देगी बच्चों की स्किन पर। बच्चों की स्किन का बहुत ख्याल रखें, वो बता नहीं सकते आपको कि उनको दर्द हो रहा है। तो आप लोगों को खुद ही उसकी उनकी स्किन का बहुत ख्याल रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और अगर मैंने कोई गलत बात की हो तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो वो भी बता सकते हैं, बुरा लगा हो वो भी बता सकते हैं, नो इशू। और दुआओं में याद रखना, अल्लाह आप सबको बहुत खुशियाँ दे, और मुझे दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपके लिए कुछ और चीज़ लेकर आऊँगी, कुछ अच्छा, इससे बेहतर। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।